फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगीज के कैप्टन रोनाल्डो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रहा है। सबसे पहले तो आप भी उस वीडियो को देख लीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखी हुई दो कोक की बॉटल्स को अपने सामने से हटा दिया और कहा कि कोक नहीं पानी पियो। उनके ऐसा करने से कंपनी को करीब 293 अरब का नुकसान हो गया। वैसे नुकसान से याद आया कि कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद क्या होता है आप जानते हैं? नहीं तो फिर ये देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के महज 10 मिनट बाद आपके शरीर में 10 चम्मच शुगर चली जाती है। 20 मिनट बाद शरीर में इंसुलिन का फ्लो बढ़ने लगता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए आपका लिवर एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदल देता है। 40 मिनट में सॉफ्ट ड्रिंक में मौजूद कैफीन आपके शरीर में घुलने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। 45 मिनट बाद शरीर में डोपामाइन केमिकल बढ़ जाता है, ये केमिकल ड्रग्स की तरह दिमाग पर असर करता है। और 60 मिनट बाद सॉफ्ट ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड अपना असर दिखाता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। रुकिए और सुनिए, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी से पता चला है कि सॉफ्ट ड्रिंक से फैट तो बढ़ता ही है, साथ में आपके लिए जानी दुश्मन भी होती है। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से हर साल पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। लोग डायबिटीज के शिकार भी होते हैं, लगभग 6000 लोग कैंसर का शिकार होते हैं और लगभग 44000 लोग दिल की बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने से आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो उसकी जगह आप चाहें तो नारियल पानी, लेमनेड, फ्रेश जूस पी सकते हैं।